हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हम किसी सूरत अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चोरी हुआ हमारा पैसा और कोई और उनको एनआरओ दे दे जिस तरह मुशर्रफ ने दिया। मुशर्रफ का तो पैसा नहीं था, पैसा तो हमारा था। किसी सूरत एनआरओ कबूल नहीं करेंगे, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत भी नहीं मानते। कप्तान की प्रोग्राम फैसला आपका में खरी खरी बातें। कहा हम मार्शल लॉ के हक में नहीं, नून लीग की पूरी कोशिश है सिस्टम डीरेल हो जाए। इमरान खान ने एक बार फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा दोहरा दिया। कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। वजीर खजाना मुकदमात का सामना करने के बजाय बैरूनी मुल्क चले गए हैं। मुल्क आगे बढ़ने के लिए नए इंतखाबात नागुजीर हैं। फाइनेंस का मिनिस्टर, उसके ऊपर करप्शन केसेस, वो वहां चक्कर लगा रहा है। जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने जवाब जिनमें से गवाह आ रहे हैं उनके ऊपर वो बैठा हुआ है। ये कोई गवर्नमेंट चल रही है? लिहाजा एक जमहूरियत में चंद महीने तो रह गए इलेक्शन के, आप थोड़ा पहले कर दें। नवाज शरीफ माने या ना माने, वो माइनस हो चुके। अवामी सतह पर नवाज शरीफ अब खत्म हो गए। इमरान खान की फिर साबिक वजीर आजम पर तनकीद। ज्यादातर लोगों का अब इंटरेस्ट नवाज शरीफ के साथ नहीं है क्योंकि वो माइनस वन हो चुका है। सरबरा पीटीआई की चंद माह में मुस्लिम लीग नून टूटने की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा महीने दो महीने की बात है, इस पार्टी ने टूटना है। अगर सिर्फ कामना टूटती है नवाज शरीफ अपने आप को लैदा कर। एहतसाब अदालत में पेशी, नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार। कुछ ही देर बाद रवानगी मुतवक्के। साबिक वजीर आजम कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नैब ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारी कर ली। नवाज शरीफ तक रसाई के कानूनी इकदामात मुकम्मल। बेगम कुलसुम नवाज कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में जेरे इलाज। नवाज शरीफ कहते हैं अहलिया की बीमारी के बावजूद वतन जा रहा हूँ, एहतसाब के नाम पर निशाना बनाना कबूल नहीं। गॉडफादर के रिमार्क्स देने वाली अदालत में भी पेश हुआ। अकामा पर ना अहली के फैसले से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। बदतमीज का जवाब बदतमीज नहीं देना, वरना ये कल्चर जो इस मुल्क का पाकिस्तान का खराब कर रहे हैं वो कोई कौमी खदमत नहीं। वजीर आला पंजाब ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देना चाहते। पाकिस्तान का कल्चर खराब करने वाले कौमी खिदमत नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी न जाने की अफवाहों की भी तर्दीद कर दी। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, इसाफदार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाप्त कल होगी। अदालत ने अदम हाजिरी पर वजीर खजाना के वारंट जारी किए थे। एहतसाब अदालत ने कल इसाफदार के बेटों को भी तलब कर रखा है। दुबई में समन वसूल कराए गए। शरीफ खानदान और इसाफदार के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस। नैब ने निगरान जज को हफ्तावार पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। हसन और हुसैन नवाज की जायदाद कुर्की, नवाज शरीफ के वारंट्स और इसाफदार के खिलाफ गवाहों के बयानात और जिरह की तफसीलात भी शामिल। मरियम नवाज ने नई सियासी हिकमत अमली बना ली। पंजाब में नई टीम के साथ उतरने का फैसला। बल्दियाती नुमाइंदे टीम का हिस्सा होंगे। तरक्याती कामों का जायजा भी खुद लेंगी। मरियम ने अगले इलेक्शन में उतरने का फैसला कर लिया। यह मकसद हमजा शहबाज को टफ टाइम देना है। सवालात सर उठाने लगे।
गिरफ्तारी के बावजूद शर्जील मेमन का शाहाना अंदाज नहीं बदला। सिंध असेंबली पहुंचने पर साथी अराकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी बरसाई और डेस्क बजाकर वेलकम किया। शर्जील मेमन की गिरफ्तारी के खिलाफ असेंबली से करारदाद भी मंजूर, अपोजिशन की मुखालिफत। नैब अदालत नहीं सिर्फ इदारा है, मेरे खिलाफ भी केसेस बनाए हैं तो बना लें, लेकिन हम डरने वाले नहीं। वजीर आला सिंध का सिंध असेंबली में धुआंधार खिताब। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हाई कोर्ट नैब के खिलाफ कार्रवाई करे। शरीफ खानदान के खिलाफ भी रेफरेंसेस हैं, क्या उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हैं? हमारे साथ दोहरा मयार क्यों? शर्जील मेमन नैब मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का जिन पर रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? क्या वही रेफरेंस के बाद इसहाक डार साहब मजे के साथ पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पेशियों पे भी नहीं आ रहे, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है? आपका लाइफ स्टाइल आपके असासों से मेल नहीं खाता। नुसरत सहर अब्बासी का तुर्की बतुर्की जवाब। अगर शर्जील मेमन साहब समझते हैं कि उन पर गलत इल्जाम है, 6.5 अरब की करप्शन उन पर गलत है, तो वो अपने असासे डिक्लेयर करें, वो बताएं कि इनके पास इस वक्त जो भी असासे हैं वो कहां से आए, इतना अमाउंट कहां से आया, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें तब्दीली कैसे आ गई। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि अगर कोई समझता है सिंध में करप्शन नहीं तो फिर करारदाद ले आए, यहाँ तमाम केसेस बंद कर दिए जाए। अगर मैं अपने वोटर के पास जाऊंगी वोट मांगने के लिए और अगर नौकरी बिकी हो, क्या वो मुझे वोट देगा? अगर दिलचस्पी होती तो शायद मैं खुद ही क्यों नहीं पार्टी से रिक्वेस्ट करती कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। सिंध में पीटीआई के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, एमक्यूएम वाले भी हमारे पास आ रहे हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में फरियाल तालपुर की गुफ्तगु, इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा देखिए आज रात 11 बजे। एमक्यूएम पाकिस्तान का 5 नवंबर को कराची में एहतजाज का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं पूरे शहर में कहीं भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही, एक शख्स की गलती की सजा पूरी पार्टी को देना दुरुस्त नहीं, हमें अगले इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। हल्का बंदियों से मुतालिक बिल का मुसविदा तैयार कर लिया गया, नई हल्का बंदियों पर सब पार्टियां वोट देंगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की पार्लियामानी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगु, खुर्शीद शाह कहते हैं नई हल्का बंदियों से कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। पंजाब में नई हल्का बंदियां कैसे होंगी? शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया, कहा कि गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिवाल, पाकपतन, अटक, कसूर और ओकाड़ा में एक एक सीट कम होगी। लाहौर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लहिया में एक एक नशिस्त का इजाफा होगा। अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं, वॉशिंगटन को साफ साफ बता दिया, सिर्फ बातें ना करें, मुसद्दिका इत्तलात फराहम करें तो बेहतर नतायज मिल सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का सेनेट इजलास से खिताब, खारजा पॉलिसी तमाम इदारे मिलकर बना रहे हैं। गैर मुल्की सीईओ पीआईए का तैयारा कैसे जर्मनी ले गया, किसी को अब तक कुछ पता नहीं चल सका। सेनेटर्स कमेटी कमेटी खेलने लगे, तहकीकात के लिए कायम की गई कमेटी ने अपना टास्क जेली कमेटी को सौंप दिया, 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम मुफ्ती अब्दुल कवी की अदालत में पेशी से पहले तैयारियां, निजामत बनवाई, अदालत ने मुल्जिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया, मुल्जिम को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में स्मोक का रोग, शहरी परेशान, किसी की आंखों में जलन, किसी को जल्दी अमराज का सामना, दमे के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई, माहिरीन ने बारिश को ही स्मोक से निमटने का वाहिद हल करार दे दिया। वाहिद बहुत स्मोक है जिसकी वजह से हम नानों को यहाँ पे लेके आए नोबलाइज के लिए। बारिश हो जाए तो मसला हल हो जाए,
रोजाना के ये चक्कर जो हॉस्पिटल के ना ये ना लगाने पड़े। बसें चल गई, ताले खुल गए, तदरीसी सरगर्मियां हुई बहाल। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में 30 रोज बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू, तलबा ने सुख का सांस लिया। लड़ाई जिसकी भी है वो अपनी लड़ाई अलग लड़े, हमारे मुस्तकबिल के साथ प्लीज मत खेले। बहुत अच्छा हुआ कि मतलब ये सारी एक्टिविटीज जो सब वो बहाल हो चुकी हैं। दिन भर एफसी और पुलिस की भारी नफरी जामिया में तैनात रही। सखर में सिटी बाईपास पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, अमले और इलाका मकीनों में झड़पें, इलाका मैदाने जंग बन गया, पुलिस की आंसू गैस की शैलिंग। रायगंज के आलमी इज्तमा में कायम किए गए गैर कानूनी बाजारों का सफाया कर दिया गया। برف پوش پہاڑوں، خوبصورت جھیلوں، سرسبز وادیوں کے صوبے گلگت بلتستان کے عوام آج 70واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ صوبے میں ہر سو خوشیوں کے رنگ، ثقافتی شوز میں روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسمہ اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت کوئی این آر او قبول نہیں کریں گے۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی ٹیکنوکریٹس حکومت قبول نہیں کی جائے گی، جمہوریت کی ڈیمانڈ قبل از وقت انتخابات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پوری کوشش یہ ہے کہ سسٹم کو ڈی ریل کیا جائے، ہم مارشل لا کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم جمہوری سیٹ اپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر حکومت کام نہیں کر رہی تو الیکشن فوری طور پر کرائے جائیں۔ کسی صورت آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ چوری ہوا ہمارا پیسہ اور کوئی اور ان کو این آر او دے دے جس طرح مشرف نے دیا۔ مشرف کا تو پیسہ نہیں تھا، پیسہ تو ہمارا تھا، 2 ارب مشرف نے خرچ کیے سوئس، یہ جو کیس کرنے کے لیے جو زرداری کا پیسہ پڑا ہوتا سوئس بینک، 2 ارب روپیہ، اور پھر اس کو این آر او دے دیا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، وہ کیونکہ نواز شریف ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے، اس میں تو یہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آتا ہے۔ ہم بالکل اس کے خلاف، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز ہو۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر ڈی ریل ہو جاتا ہے سسٹم، نواز شریف بچ جائے گا۔ اگر ڈی ریل ہو جاتا ہے تو نواز شریف کہے گا جی مجھے تو ملٹری نے کر دیا، مجھے تو سپریم کورٹ نے کہا، پیچھے یہ جوڈیشل کو ہوا ہے، وہ یہ کہے گا، اس سے اس کا پیسہ بچ جاتا ہے۔ انٹرسٹ نواز شریف کا اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلدی الیکشن کروایا جائے۔ میں کیوں چاہوں گا کہ جناب یہ مارشل لا لگ جائے؟ میرا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ اتنی محنت کر کے جو کسی نے کی نہیں ہے، ہم تو چاہیں گے کہ ڈیموکریٹک پروسیس۔ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی، کیا اس پہ کیسے فٹ ان ہوتا ہے ٹیکنوکریٹ؟ اگر ایک گورنمنٹ فنکشن نہیں کر رہی، جو یہ نہیں کر رہی، تو الیکشن کروا دیں، اور الیکشن تو ہونا ہی ہے۔ میں صرف جو نہیں چاہتا، الیکشن ڈیلے نہیں میں چاہتا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ جو سینسس ہے ان کو پہلے کروانا چاہیے تھا، 1 سال پہلے انہوں نے اتنا لیٹ کیوں کروایا؟ انہیں پتا تھا الیکشن آ رہا ہے۔ ہلکا بندیاں کا کی وجہ سے اگر کسی قسم کی ہم نے ڈیلے نہیں ایکسیپٹ کرنی۔ اسی انٹرویو میں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف مانے یا نہ مانے، وہ -1 ہو چکے ہیں۔ عوامی سطح پر نواز شریف اب ختم ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے نواز شریف کو نااہل کر دیا ہے، ان کی واپسی اب ممکن نہیں۔ عمران خان نے پیش گوئی کی کہ 1 یا 2 مہینے کے اندر اندر نون لیگ ٹوٹ جائے گی۔ زیادہ تر لوگوں کا اب انٹرسٹ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ -1 ہو چکا ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے، وہ ہی مائٹ، وہ کہتے ہیں نا مائٹ بی اے لیجنڈ ان ہز اون مائنڈ، لیکن پبلک کے اندر وہ ختم ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اب جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر واپس آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، جس طرح کافی والوں کو تھا جب وہ نواز شریف جب
वापस आया था, लेकिन वो उस तरह की वापसी अब वापसी हो नहीं सकती। तब तो एक मिलिट्री डिक्टेटर समझौता होकर बाहर चले गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नायल कर दिया फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए वापस नहीं आ सकते। इसलिए थोड़े ये दिनों की बात है, ज्यादा से ज्यादा महीने दो महीने की बात है। इस पार्टी ने टूटना है, अगर सिर्फ तब ना टूटती अगर नवाज शरीफ अपने आप को लैदा कर ले। और इसी इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर से कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का भी मुतालबा किया है, और इसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर ख़जाना मुकदमात का सामना करने के बजाय बैरून मुल्क जा चुके हैं। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, कोई वजीर ख़जाना नहीं। मुल्क को आगे बढ़ना है और इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एजिटेशन, वजीर उसको बैक कर रहे हैं जो इन्होंने पहले किया। जीडी रोड पे सारे वजीर फिर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फिर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ही बैक कर रही है एक आदमी को, खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, मुल्क का फाइनेंस का मिनिस्टर, उसके ऊपर करप्शन केसेस, वो वहां चक्कर लगा रहा है। जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने जवाब जिनमें से गवाह आ रहे हैं उनके ऊपर वो बैठा हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे पता है कि अगर वो प्रेशर नहीं कर सकेगा लोगों को, अगर वो चला गया अब वो मफरूर हो गया, अभी भी उसको फाइनेंस मिनिस्टर रखा हुआ है। ये कोई बनाना रिपब्लिक है, ये कोई गवर्नमेंट चल रही है? लिहाजा एक जमहूरियत में चंद महीने तो रह गए इलेक्शन के, आप थोड़ा पहले कर दें, क्या प्रॉब्लम होना है इलेक्शन का, क्यों नहीं करते? ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने मुतनाजा करना है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अपनी पैसा बचाना है। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इनका मकसद जो 300 अरब रुपया इनका बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज में, 29 प्रॉपर्टीज दुनिया में, बैंक्स दुबई में प्रॉपर्टीज, वो जो 300 अरब रुपया है, इनको पता है कि अगर इनको कन्विक्शन होगी मनी लॉन्ड्रिंग पे, ये सारे पैसे खतरे में चले जाएंगे, ये फ्रीज हो जाएंगे। लंदन से आपको खबर दें, बेगम कुलसुम नवाज की कीमोथेरेपी जारी है, लेकिन नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है तो दूसरी तरफ नैब भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। नैब टीम ने साबिक वजीर आजम के तैयारे तक रसाई मांग ली है ताकि एहतसाब अदालत के समन की तामील कराई जाए। उधर मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनान को एयरपोर्ट न आने की हिदायत की है। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद आमद से कबल नैब इन एक्शन। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ के वेलकम की तैयारियां मुकम्मल। नैब हुकाम ने बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट के चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया जिसमें नवाज शरीफ की आमद पर नैब टीम की तैयारी तक रसाई मांगी गई है। खत में लिखा गया है कि नैब की 10 रुकनी टीम साबिक वजीर आजम से एयरपोर्ट पर मुलाकात करेगी और नवाज शरीफ से एहतसाब अदालत के समन की तामील कराएगी। एहतसाब अदालत ने 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ को आइंदा समाअत पर पेशी का हुक्म देते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जुमेरात की सुबह लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तरतीब दे दी है। कारकुनान को हिदायत दी गई है कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट न आए। आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ के वापस न आने की अफवाहों में कोई हकीकत नहीं है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई थी, उनका चेकअप हो रहा था। पाकिस्तान का कल्चर खराब करने वाले कौमी खिदमत नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देना। आप पास से आप लगा रहे हैं ना, उनका वहाँ पर अपना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, उनका यहाँ पर चेकअप है, अल्लाह ताला करेगा अल्लाह मियाँ उनको सेहत देगा, तो उनको एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं है। बदतमीज़ का जवाब बदतमीज़ नहीं देना, वरना ये कल्चर जो इस मुल्क का पाकिस्तान का ख़राब कर रहे हैं वो कोई कौमी खदमत नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है मियाँ नवाज शरीफ, उसकी मकबूलियत का एक खुला सबूत है। अब आपको बताएं कि गिरफ्तारी के बावजूद शर्जील मेमन का शाहाना अंदाज ना बदला। सिंध असेंबली पहुंचने पर बाहर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं तो ऐवान में डेस्क बजाकर वेलकम किया गया।
وزیر اعلی سندھ اور ڈپٹی اسپیکر سمیت دیگر اراکین نے نیب پر بھرپور تنقید کی۔ شرجیل نے ثابت کیا ہے کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور بھاگنے والے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی والے کبھی نہ الزاموں سے ڈرے نہ کبھی پھانسی سے ڈرے، ہمارا تو مجاہد واپس آ گیا، آپ کے لوگ تو واپس بھی نہیں آئیں گے۔ نیب کورٹ نہیں ہے، نیب ایک ادارہ ہے، ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس کے ممبر کے ساتھ نیب دوہرا رویہ اختیار کر رہا ہے، اس کی آبجیکشن ہے، کورٹ کی آبجیکشن نہیں ہے۔ اگر 1970 میں نیب ہوتی تو عمران خان کا والد نیازی صاحبہ جیل میں ہوتا۔ ناظرین، کرپشن کے الزام میں گرفتار شرجیل میمن کو جیل سے بکتر بند میں سندھ اسمبلی کے اجلاس میں لایا گیا تھا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے شرجیل میمن سابق وزیر اعظم نواز شریف اور اسحاق ڈار کے ساتھ نیب کے رویے پر برس پڑے۔ یہ نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کا جن پر ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، کیا ان کے نام ای سی ایل پہ ہیں؟ کیا وہی ریفرنس کے بعد اسحاق ڈار صاحب مزے کے ساتھ پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، پیشوں پہ بھی نہیں آ رہے، کیا ان کے نام ای سی ایل پہ ہیں؟ تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے وقت کیوں نہیں ان نئے اہلکاروں کو اندر جانے دیا گیا؟ ایئرپورٹ کے اندر جانے سے آپ روکتے ہو اور ہمارے لیے ایئرپورٹ کے اپرن پہ، رن وے پہ وہی اہلکار پہنچ جاتے ہیں، کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ ادھر اپوزیشن اراکین نے شرجیل انعام میمن کا استقبال جی بھر کر تنقید سے کیا۔ اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا کہ شرجیل میمن کا رہن سہن ان کے اساسوں سے میل نہیں کھاتا، اگر شرجیل میمن نے کوئی کرپشن نہیں کی تو قرآن اٹھا کر معاملے کو ختم کر دیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صوبہ سندھ میں کرپشن نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ قرارداد یہ لے کر آ جائیں کہ جی ہمارے صوبے میں کوئی کرپشن نہیں ہے، سارے مقدمات ختم کر دیں۔ شرجیل میمن صاحب یہاں پر اور ان کے ساتھ ان کے جتنے ساتھی ہیں یہاں پہ قرآن شریف رکھیں، کلمہ پڑھیں اور کہیں کہ آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کی ہے۔ شرجیل میمن صاحب سمجھتے ہیں کہ ان پر غلط الزام ہے، 6.25 ارب کی کرپشن ان پر غلط ہے، تو وہ اپنے اساسے ڈکلیئر کریں، وہ بتائیں کہ ان کے پاس اس وقت جو بھی اساسے ہیں وہ کہاں سے آئے، اتنا اماؤنٹ کہاں سے آیا، ان کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں تبدیلی کیسے آ گئی۔ اب آپ کو خبر دیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 5 نومبر کو ہی جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فاروق ستار نے اس بارے میں کہا کہ جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، تاریخ نہیں، ہمیں کراچی میں احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے بینرز اور پوسٹرز ہٹا دیے گئے ہیں اور ہمیں اگلے الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کا خط مجھے بھی ملا ہے، سرفراز مرجن کا کراچی جرائم میں کلیدی کردار ہے، کسی ایک شخص کی غلطی کی سزا پوری پارٹی کو دینا درست نہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ 5 نومبر کو ہر صورت میں جلسہ ہوگا۔ احتجاجی جلسہ عام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد مردم شماری میں سندھ کے شہروں کے ساتھ اور بالخصوص کراچی کے ساتھ جو زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ یہ بتا دیا تھا کہ ہم 5 نومبر کو یہ جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں 2 روز پہلے یہ کہا جائے کہ آپ کو اس جلسہ عام کی اجازت نہیں ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ہمارے سیاسی اور جمہوری حق سے روکا جا رہا ہے۔ سیاسی جمہوری حکومت اس میں رخ نہ ڈالے اور ہمیں اجازت نہ دے تو پھر میں کیسے اس حکومت کو ایک سویلین سیاسی اور جمہوری حکومت مانوں؟ ہمارے پرچموں کو اتارا جا رہا ہے، لگانے سے روکا جا رہا ہے، جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبا کے پرچم وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے 15 روز پہلے کہا تھا ہمیں اسی وقت بلا کر ہم سے نیگوسیشن کر کے ہمیں جلسے کی اجازت کہیں نہ کہیں مل جانی چاہیے تھی، یہ نہیں ہوا ہے، ہم اپنے وینیو کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن تاریخ اور وقت تبدیل کرنے پر ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ نورانی کباب شارع قائدین پر یا
या लियाकत आबाद 10 नंबर के इंटरसेक्शन पर हर हाल में ये जलसा हम करेंगे और 5 नवंबर को बरोज इतवार 5 नवंबर दोपहर ये एमपीएम का एहतजाजी जलसा आम हर हाल में होगा। और अब बात करेंगे मुफ्ती कवी की। हवालात की सैर के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी बनेंगे अब डिस्ट्रिक्ट जेल के मेहमान। मुल्तान में कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। अदालत में हाजिरी से कबल मुफ्ती अब्दुल कवी ने बालों की तराश खराश भी खूब करवाई। मॉडल गर्ल कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी की औभगत का सिलसिला भी जारी है। अदालत में पेशी से कबल मुफ्ती अब्दुल कवी के बालों की तराश खराश से कबल थाने में हजाम बुलाया गया। खूब सज धज कर मुफ्ती अब्दुल कवी अदालत में पेश हुए, जहां वकला के दलाइल के बाद अदालत ने मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने मुझे बहुत बुलाया। मीन जब चांद देखने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे कॉल्स किए, बहुत ज्यादा कॉल्स की के मोहतरमास कंदील साहिबा आप किधर हैं, मैंने पूरे चांद देखने के लिए आप आए और मेरी ख्वाहिश है कि चांद देखने से पहले मैं आपको देखूं। मॉडल गर्ल कत्ल केस में मुफ्ती अब्दुल कवी 4 बार में 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस हिरासत में रह चुके हैं। जुडिशियल रिमांड जारी होने के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी को थाना चैलक से जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना है कि कंदील के कत्ल से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इस केस के बारे में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की, जिन्होंने अपनी नई सियासी फोर्स तश्कील देना शुरू कर दी है। बल्दियाती नुमाइंदे उनकी टीम का हिस्सा होंगे और आइंदा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली भी तरतीब देंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पंजाब की सतह पर पार्टी को मुनज़म करने के लिए जिला और यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों पर मुश्तमिल अपनी नई टीम तश्कील देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास बुलाना भी शुरू कर दिए हैं। नुमाइंदे तरक्याती कामों और बेरोजगार नौजवानों के हवाले से अपनी रिपोर्ट मरियम नवाज को पेश करेंगे, जिस पर 2018 के इंतखाबात से कबल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अब हल्का एनए 120 से निकलकर लाहौर के दीगर हलकों का दौरा और जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगी। अभी आपको अहम खबर दें लंदन से, जहां नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की कीमोथेरेपी जारी है, लेकिन नवाज शरीफ अपनी अहलिया को हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 1999 में भी हाई जैकिंग केस बनाया गया, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। मियां साहब कहाँ जा रहे हैं कि नैब आपके अरेस्ट वारंट या आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश हो रही है कि आप उनका मकसद या आपको दूर रखा जाए, क्या कहेंगे आप? बहुत भुक्का है ये तो, आप 1999 में भी आपने देखा है क्या कुछ नहीं किया गया। हाई जैकिंग का केस मेरे ऊपर बनाया गया और हाई जैकिंग में मुझे सजा हुई, कौन से कानून के तहत हुई थी और जिस अदालत ने दी है किस कानून के तहत उसने मुझे हाई जैकिंग की सजा दी है? एक सेकेंड में एक प्राइम मिनिस्टर को उठा के हाईजैकर बना देते हैं, ये कहाँ का दस्तूर है? थैंक यू।